नमस्कार, मैं नम्रता अग्रवाल। आज 24 सितंबर 2023 सबके लिए कैसा रहेगा इसके साथ तो शुरू करते हैं एरीज राशि से। एरीज साइन वालों के लिए यह दिन शुभ नहीं है। आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा करियर में नोकझोंक रह सकती है, अप डाउन आ सकते हैं, लेकिन नई शुरुआत के भी चांसेस हैं। उन्हें आप अपने दिमाग से, अपने इंटेलेक्चुअल पावर से शुरू कीजिए, अच्छे से शुरू होंगे। लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी यह दिन शुभ नहीं कहा जा सकता। हेल्थ वाइज यह दिन शुभ नहीं है। हमारी अगली राशि है टॉरस साइन। टॉरस साइन वालों के लिए यह दिन बहुत शुभ है, इंटेलेक्चुअल है, करियर में ग्रोथ है। आपको कोई अच्छी खबर, प्रमोशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ का रिजल्ट जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, वह मिलने की भी आशंका है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए यह दिन बहुत शुभ है। हेल्थ वाइज यह दिन बहुत शुभ रहेगा। हमारी अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी यह दिन बहुत शुभ है। दिल की जगह आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, किंतु सही चीज़ को बैलेंस करते हुए, नाप तोड़ कर, सही गलत, इससे ही आप डिसीजन लेंगे, तो यह दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी उसमें बैलेंस दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज भी यह दिन शुभ रहेगा। हमारी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह बहुत अच्छा दिन है। धनागमन के संकेत हैं, उन्नति के संकेत हैं, प्रमोशंस आपको मिलने के चांसेस हैं। लव एंड रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ी इंतज़ार करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हेल्थ वाइज यह दिन शुभ रहेगा। हमारी अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह दिन बहुत शुभ है। धनागमन के संकेत हैं, धनागमन की सूचना है। केयरिंग और नर्चरिंग नेचर भी आपका रहेगा। आपको आपके घर में जो महिला है, पत्नी या माता बहन, उनसे भी कुछ उपलब्धि मिलने की चांसेस हैं। लव एंड रिलेशनशिप के लिए यह दिन सामान्य रहेगा। हेल्थ वाइज यह दिन शुभ रहेगा। हमारी अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह दिन थोड़ा उठा पटक वाला रहेगा। थोड़ी परेशानियां आपको अपने करियर में महसूस करनी पड़ेंगी। जो आइडियाज़ आपके थे, उन्हें आपको अब तक जिन्हें आप अच्छा समझ रहे थे, पीछे छोड़ते हुए नए आइडियाज़ को सोचने की ज़रूरत है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए यह दिन शुभ नहीं कहा जा सकता है। थोड़ा पेशेंस रखें। हेल्थ वाइज यह दिन सामान्य रहेगा। हमारी अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह दिन बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। कुछ नया घटने के चांसेस हैं, कुछ अच्छा और शुभ आपके जीवन में घटित होने वाला है। हम लव एंड रिलेशनशिप के लिए यह दिन ठीक रहेगा। दोस्तों के बारे में सही गलत की पहचान करते हुए आगे बढ़ें। आप अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दिन बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, उन्नति मिलने के भी चांसेस हैं। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। लव एंड रिलेशनशिप के लिए यह दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। हेल्थ वाइज यह दिन शुभ रहेगा। हमारी अगली राशि है सेगिटेरियस साइन। सेगिटेरियस साइन वालों के लिए भी यह दिन बहुत शुभ रहेगा। धनागमन के संकेत हैं, आपको सही गलत का फैसला करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपने सबोर्डिनेट्स में बांट सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी यह दिन बहुत शुभ रहेगा। आपके घर में जो स्त्री है, उससे भी आपको धनात्मक के संकेत मिल सकते हैं। आपकी हेल्थ वाइज यह दिन बहुत शुभ रहेगा। हमारी अगली राशि है कैप्रिकॉर्न साइन। मकर राशि वालों के लिए भी यह दिन बहुत शुभ रहेगा। धनात्मक के संकेत हैं, उन्नति के संकेत हैं। कोई ऐसा काम जिसमें आपको भरपूर धन की आगमन हो, वह भी मिलने के संकेत हमें मिल रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप के लिए यह दिन थोड़ा पशोपेश भरा हो सकता है, आपके नोकझोंक हो सकती है, इससे बचने का प्रयास करें। हेल्थ वाइज यह दिन सामान्य रहेगा। हमारी अगली राशि है एक्वेरियस साइन। कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन शुभ नहीं कहा जा सकता।